शाहरुख खान का फिल्म क्या पठान वन से अब पठान टू की बात हो रही है और फिल्म पठान टू मेकर्स ने तैयार करने की कोशिश चालू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हरी राम, आज हम आपको बताएंगे कि शाहरुख खान का फिल्म की पठान की रिलीज डेट अभी बहुत ही वक्त है और वो फिल्म पठान जो है रिलीज होने में। और यहीं पे फिल्म पठान में बहुत ही सुपर डुपर स्टार निभा रहे हैं किंग खान, शाहरुख खान, और वहीं पे दीपिका पादुकोण के साथ साथ अभिनेता जॉन अब्राहम भी इस फिल्म में है। वहीं पे शाहरुख खान इस फिल्म में स्पाई का रोल निभा रहे हैं, वहीं पे अभिनेता जॉन अब्राहम जो है वो निगेटिव का रोल निभा रहा है। हम आपको बता दें कि फिल्म की जो रिलीज डेट है वो अभी बहुत ही वक्त है इस फिल्म को रिलीज होने में। 25 जनवरी का फिल्म 2023 में यह फिल्म रिलीज होगा। वहीं पे इस फिल्म की बात करें तो फिल्म की जो मेकर्स है उसको इस फिल्म की पार्ट टू यानी कि पठान टू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म पठान में कुछ अलग अलग एक्टर्स भी दिख सकते हैं जो फिल्म की और एक परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से दिखाएगा। वहीं पे शाहरुख खान की हम बात करें तो शाहरुख खान ने इस चीज़ को अभी पूरा जो है सही तरीका जो अपने सोशल साइट पर नहीं विस्तार किया है, मगर वहीं पे इन फैंस जो है इनका उनके हिसाब से बताऊं तो मेकर्स कह रहे हैं कि फिल्म पठान जो है वो पार्ट टू यानी कि पार्ट टू फिल्म पठान आएगा। पठान की बहुत ही दमदार स्पाई रोल में शाहरुख खान बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं और फिल्मों को लेकर यह जो ये फिल्म है पठान उसको लेकर इनके जो फैंस है बहुत ही उत्साहित है कि क्या फिल्म कब रिलीज होगा और बॉक्स ऑफिस पर कब आएगा। इसको लेकर जो मेकर्स है फिल्म के प्रोड्यूसर है वो इस पर बात कर रहे हैं कि यह फिल्म कब रिलीज़ होगा और किस वक्त रिलीज़ होगा और फिल्म की जो शूटिंग कैसे और कौन कौन मेकर्स रहेगा पठान में। और पठान टू की बात करें तो पठान टू में इसको लेकर अभी इस पर बातचीत चल रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अभिनेता जॉन अब्राहम जो बॉलीवुड में हर एक पर्दे पर आपको दिख जाएंगे और देखे हुए हैं, वहीं पे इस फिल्म को पठान जो है इनको लेकर मेकर्स कह रहे हैं कि इस पर भी हम बात करेंगे और अलग अलग स्टार इस फिल्म को लेकर आएगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।